तुम सब बच्चे बैठे हो वालदेन को अपनी जन्नत बना लो माँ बाप को अपनी जन्नत बना लो उनकी दुआ ले लो मेरे नबी ने फरमाया काश मेरी माँ जिंदा होती माँ माँ का खास तौर पर मेंशन किया मेरी माँ क्यों कि बाप को तो देखा ही नहीं और माँ को देखा है छः साल मेरी माँ जिंदा होती और मैं ईशा की नमाज़ के मसल्ले पे खड़ा होता और मेरे घर से मेरी माँ कहती मोहम्मद तो मैं माँ के लिए नमाज़ तोड़ देता मेरा नबी कह रहा है और जब आप हज पे तशरीफ़ ले गए और अब वाह के मैदान से गुजरे जहाँ मेरे नबी के वालदा का इंतकाल हुआ था इस बात को सतावन साल गुजर चुके हैं छः बरस की उम्र में मदीना से निकले तीन अफराद मेरे नबी मेरे नबी की माँ मेरे नबी के वालिद की बाधी उम्मे एमन वो भी माँ हैं उन्होंने भी दूध पिलाया था मेरे नबी को दो माएँ हैं एक दूध पिलाने वाली एक पैदा करने वाली और एक मेरे नबी हैं जब अबवा के पहाड़ों में पहुँचे तो अचानक हार्ट अटैक से हज़रत आमना पच्चीस साल की उम्र में इंतकाल फरमा गई और मेरे नबी ने इतना उसका गम लिया छः साल का बच्चा मैं सन दो हज़ार में वहाँ गया था मेरे आंसू नहीं रुकने को आ रहे थे कि कहाँ मेरे नबी माँ को अल्लाह ने उठाया न कोई आसरा ना कोई सहारा न कोई रिश्ता न कोई झोली ना कोई, कोई, कोई छाव ऐसे तने तनहा यतीम कर ली जब उनको पत्थरों में दबा के नीचे उतरे उम अमन को से हाथ छुड़ाकर भागे और ऊपर पहाड़ी पे चढ़ गए जब उम पीछे गई तो आपने उम ने क्या देखा कि अबवा के अब पहाड़ भी रो रहे होंगे अम्मा की कब्र को चिमट कैसे ऊपर लेटे हुए थे कब्र को पकड़ा हुआ था ऊपर लेटे हुए थे जब वो करीब आई तो सुना आप कह रहे थे अम्मा जी आपको तो पता था आपके सिवा मेरा कोई ना था अब मुझे छोड़ के कहाँ चली गई क्यों चली गई छः साल का बच्चा पहली मौत देख रहा है तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि मेरी माँ के साथ हुआ क्या है वो मैमन ने उठाना चाहा आपने उठने से इनकार कर दी इस सदमे को सीने में लिए हुए सत्तावन साल के बाद दिन बंदा रो नहीं सकता रोना ही चाहे तो रोहन नहीं आमता सत्तावन साल के बाद आप उस वादी से गुजरे आपने ऊटने को माँ की कब्र की तरफ मोड़ दिया और इन पिलर्स को तीन गुना करो तो वो पहाड़ बनता है छोटे चो, छोटी पहाड़ी थी ऊंटनी को नीचे बिठाया ऊपर पहाड़ पर गए और ये मुझे देखो यूं आपने घुटने खड़े किए माँ की गबर के सराने और ये हाथ यहां रखे और फिर सर दिया अपने घुटनों में यूं फिर रोना शुरू किया इतना रोए अप्रैल का महीना था धूप सर पे पड़ रही थी हम तो ठंडी धूप में बैठे हैं शदीद धूप में बैठे थे और इस कंडीशन में ये बच्चों का स्टाइल होता है जब लंबा रोना हो तो वो यूँ बैठते हैं सर अंदर देकर इतना रोए कि आपकी दाढ़ी सारी आंसुओं से भर गई सीना तर हो गया एहराम तर हो गया और कई घंटे बैठ के रोते रहे दो जहान के सरदार होकर तमन्ना कर रहे हैं काश है अम्मा तू जिंदा होती तो मुझे कहती मोहम्मद मैं तेरे लिए नमाज तोड़ देता और मेरे नबी ने ये बच्चियां गौर से सुनो मेरे नबी से पूछा गया यार रसोल्ला क्या मत कब आएगी आपने फरमाया ये तो अल्लाह को पता है उन्हें कहा यार अल्लाह कोई निशानी बता दे तो आपने फरमाया जब बच्चियां माओं को जलील करेंगी तो क्या मत आ बेटियाँ जब बेटियाँ माओ के साथ बदतमीजी करेंगी और माओ को जलील करेंगी तो क्या मत आ जाएगी एक माँ बेटी को मैं भूल नहीं सकता माँ के मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे और बेटी माँ से कह रही थी भौक नहीं हमारी अपनी वो पंजाबी जबान भौक नहीं हो ये तो हम नौकर को कहते हुए डरते हैं वो माँ से कह रही थी भौक नहीं यानी बकवास ना कर प्रवागे चुप सिर्फ आंसू उसके गिर रहे थे ऐसे। शायद वो याद कर रही थी कि नौ महीने कैसे इसको मैंने पेट में पाला जनते हुए कितनी तकलीफों से गुजरी और इसको दूध पिलाते हुए कितनी रातें मैंने काट काट के गुजारी, और इसके पेशाब धोते हुए कितनी दफ़ा मैं सर्दी में ठिठरी, और आज ये मुझे कह रही है भौक नहीं इसलिए मेरे नबी ने फरमाया जिसने माँ बाप को दुख दिया सुनो गौर से बच्चों सारे सुनो जिसने माँ बाप को दुख दिया उस पर अल्लाह की लानत उस पर फरिश्तों की लानत उस पर ज़मीन आसमान की लानत न उनकी नमाज़ कबूल है न रोज़ा कबूल है न सदक़ा कबूल है इस मेरे नबी की ज़िंदगी का दूसरा रूप इबाद नमाज़ हकूक़ल्ला में आ जाती है मैं इबाद की थोड़ी सी वजाहत कर रहा हूँ माँ बाप जिंदा हैं तो दुआ ले लो वालदेन से कहता हूँ बच्चों को इज्जत दो जहाँ औलाद माँ बाप के हुकूक हैं वहाँ औलाद के हुकूक हैं औलाद को इज्जत दो औलाद को इज्जत दो औलाद को इज्जत दो बहुत सी औलाद की नाफरमानी का जरिया माँ बाप बन रहे हैं सख्ती करके ज़बरदस्ती करके और ठोस कर चीज़ें नौकरों की तरह सलूक करके मेरे नबी के घर में जब बेटी फातिमा मिलने के लिए आती थी तो मेरे नबी बैठे नहीं रहते थे अब, अब चेयर पर बैठे हुए बीबी फातमा आ गई अब जमीन पर बैठे हुए हैं बेटी आ गई अब चारपाई पे लेटे हुए हैं बेटी आ गई मेरे नबी क्या करते थे खड़े हो जाते थे खड़े हो जाते एकदम खड़े हो जाते थे और फिर खड़े नहीं रहते थे तेजी से आगे बढ़ते थे और हज फातिमा का हाथ पकड़ लेते थे ये वालदे गौर से सुनो फातमा का हाथ पकड़ लेते थे और हाथ पकड़ के मुझे देखो ए यूँ बोसा लेते थे बेटी का बोसा लेते थे फिर हाथ छोड़ते नहीं थे हाथ पकड़े पकड़े लाते लाते लाते, लाते उनको चारपाई पर पहले बैठाते थे फिर खुद बैठते थे ये बाप और रसूल होकर बेटी को ये इज्जत देते थे फिर वो जन्नत की औरतों की सरदार बनी फिर वो जन्नत के सरदारों की माँ बनी फिर वो अल्लाह के शेर की जोजा बनी तो वालदे से कहता हूँ कि अपने बच्चों को इज्जत दो इज्जत दो इज्जत दो इज्जत दो फिर आपसे जिंदगी के बड़े फैसले हैं शादी आप लोग इकट्ठे पढ़ते हो लड़के लड़कियाँ अपनी शादी के फैसले खुद न करो अपने माँ बाप के हवाले करो उसमें शराफत भी है उसमें बरकत भी है उसमें रहमत भी है और उसमें वालदे की दुआएँ भी हैं कोर्ट मैरिज को हवा ना दो बॉय फ्रेंड गर्ल फ्रेंड कल्चर हमारा नहीं है मेरे नबी के तरीक़े में मर्द और, और, और औरत का सिर्फ निकाह से ताल्लुक है इसके अलावा सब जहन्नुम की आग है और वालदे से कहता हूँ कि अपने बच्चों से पूछ के रिश्ते करो ज़बरदस्ती मत करो मेरा मुआरह बहुत संगीन किस्म के जुर्म का शिकार है बच्चों पे मुसलत कर देते हैं चलो तुम नाराज ना हो राजपूता राजपूत हूं अपनी कौम को भी रगड़ देता हूं राजपूताएं ची करनी अग करनी कोई नहीं ये जुल्मलाद पर मत करो अपनी बच्ची से पूछो अगर बेटी हाँ करे तो फिर कदम उठाओ अगर बेटी कह दे मैं नहीं करना चाहती तो वो नाफरमान नहीं है अल्लाह के वास्ते मेरी सुनो सिर्फ तुम नहीं सुन रहे हो इस कैमरे से लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं अगर बेटा यूँ कह दे कि अब्बा मैंने यहाँ शादी नहीं करनी मेरा जी नहीं चाहता है तो वो बेटा नाफरमान नहीं है फरमा बरदार है उसने शरीयत का हक इस्तेमाल किया है अब ऐसा जुल्म मत करो कि नहीं इत ही करनी है इतना घरों निकल जाओ जिंदगी तुमने तो नहीं गुजारनी ज़िंदगी तो बच्चे ने गुजार मैं कुरबान जाऊँ एक हदीस सुनो पहले फिर अगली बात सुना तो मा तजवशत व माज़वश इल्ला बे वाहिन में न समा नजल जुबरील सुनो, मैंने जहाँ शादी की मैंने जहाँ बेटी की शादी की पहले आसमान से जुबरील फरिश्ता अल्लाह का हुक्म लेकर आया फिर मैंने कदम उठाया समझ गए मेरी हद, मेरी ये बात समझ गए सारे अब अगली सुनो हजरत अली फातमा का रिश्ता लेने आगे और जबरील उनसे पहले आ गया कि यार अल्लाह फातिमा अली के लिए है बाप मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा है रिश्ता मांगने वाला अली जैसा है और बेटी फातिमा जैसी है और आप पूछते हैं अली कैसे आए वो शर्म की वजह से कुछ कह न सके चुप आपको तो पता था आपने फरमाया फातिमा के रिश्ते के लिए आए होगा जी तो जबरील तनाल बैठा रसूल अल्लाह इत ही करना है आपने हाँ नहीं की आपने कहा अल्लाह और यह कहकर उठ गए इनशाला नबी का हाँ ही होता है लेकिन जबरील के आने के बावजूद और अल्लाह के कहने के बावजूद मेरे नबी को भी पता है कि यह रिश्ता यहां कातब तकदीर ने लिख दिया है लेकिन उम्मत को सबक सिखाने के लिए अब घर तशीफ ले गए बेटी फातमा का जिया रसूल अल्लाह का अली का रिश्ता आया है मैं हाँ कर दूँ देहाती बच्चियों पर मुझे रोना आके उन्हें पता ही नहीं होता सानू कहें देना बंदे पे जानवर है या इंसान है अली जैसा तामा चलो अली को छोड़ो फातिमा को छोड़ो जिबरी लाया बैठा है जिबरी लाया बैठा है उसके बाद फातिमा से पूछने की क्या गुण क्या बात है ला कर है या रसोल्ला अल्लाह कह रहे फातमा अली के लिए है और अली फातिमा के लिए है और फिर आप कहते हैं बेटी फातिमा हाँ कर दो सुबह हमारी तो आज की बेटियाँ इनकार नहीं करती चुप करके गाँव आज तरह बन छट किले नाल कोई उनके अंदर के जज्बात को सुनने वाला कोई नहीं होता अपनी अनानीयत पर ये फैसले करते हैं और मेरा नबी कह रहा है बेटी हाँ कर दो आपका क्या ख्याल है फातिमा ने इनकार करना था ये तो ये बेटियां नहीं इनकार करती, तो फातिमा ने कहाँ करना था लेकिन ये सबक देना था उन वालदेन को जो नादानी में नादानी के फैसले करके औलाद को हमेशा एक ठंडी आग में धक्का दे देते हैं हज फातमा रजी अल्लाह ने जब हाँ की फिर आप बाहर निकले अच्छा मजे का वाक्य हजरत अली उठ के बाहर निकले तो सहाबा बाहर खड़े इंतजार कर रहे थे कि क्या हुआ हजरत अली को भेजने वाले थे अब्दुलरहमान बिन औफ पहले अबू बकर गए तो आपने इनकार कर दिया उमर गए रिश्ता मांगा आपने इनकार कर दिया अब्दुलरहमान बिन औफ ने अली से कहा आप जाएं आपका रिश्ता रद्द नहीं होगा कह लेंगे मेरा तो जाती घर भी कोई नहीं मुझे कहाँ सा रिश्ता मिलेगा मैं तो बिल्कुल गरीब हूँ कह नहीं तुम जाओ तो वापस आते उन्होंने अब्दुलरमान बिन औफ पे चढ़ाई कर दी वे क्या है ना तू मैनू गले आई इनकार हो गया तो साहबा ने पूछा क्या हुआ कहा कुछ कहा ही नहीं चुप करके उठ गए तो अब्दरमान बिन औफ कहने लेंगे कुछ बोले सही को बस इतना कहा इनशालाता हूँ मुबारक हो नबी का इनशाला तो हाँ होता है अच्छा तो इतना में आप बाहर तशीफ ले का अली है जी का लो बुलाओ लोगों को बुलाओ सॉरी मस्जिद भर गई आपके सॉरी मस्जिद फुल हो गई आप मेंबर पे खड़े हुए अली को सामने बिठाया क्या लोग ये जबरील मेरे पास अल्लाह का पैगाम लाए हैं कि मैं फातमा बिन तहमद का निकाह अली के बे नबी तालिब के साथ कर दूँ फिर आपने खुतबा पढ़ा और कहा कि अली हाय 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 मैंने फातमा बिन मोहम्मद को चार सौ दरम महर के इवज़ तेरे निकाह में दिया तो उन्हें कबूल किया हजरत ने ज़ोर से नारा लगाया मैंने कबूल किया और सजदे में चले गए अल्लाह का शुक्र का सजदा अदा किया फिर मेरे नबी ने वहीं सारे मजमे को शहद का शरबत पिलाया और ताज़ा खजूरें खिलाईं और फिर जब रुशती हुई तो आपने अली से फ़रमाया कि आप आके ले जाओ फिर आपने हज़रत उम सलमा हज़रत हफ् और 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 जनाब हज़रत आयशा रजील तहा इन तीनों को बुला कर फरमाया तुम्हें पता है ना मुझे फ़ातिमा से कितना प्यार है तो तुम फातिमा को दुल्हन बनाओ उसकी तैयारी करवाओ उससे दुल्हन बनाओ तो उन तीनों ने हज़रत फातिमा को दुल्हन बनाया फिर आपने अली को पैगाम भिजवाया वो तशरीफ़ लाया अपनी ऊँटनी लेकर आए हज़रत अकील साथ आए सलमान फारसी साथ आए और दरवाजे पर ऊँटनी बिठाई आप अली को अंदर ले गए और यूँ फातिमा का हाथ पकड़ के अली के हाथ में देकर अली तुम्हें नबी की बेटी मुबारक सुबह फिर आपने कहा मेरी बेटी फातिमा मुझे अपने ख़ानदान में जो सबसे ज़्यादा महबूब था मैंने तेरा हाथ उसके हाथ में दे दिया है वालदेन से कहता हूँ अपने नबी की ज़िंदगी पढ़ो मेरा दर्द है कि हमारी सकाफत में इस्लाम दाखिल नहीं हुआ हमारे इबादत में इस्लाम आ गया बहुत सारा मजमा मर्द औरतों का नमाजी है हाजी है उम्रें करते हैं लेकिन सकाफत में नबूत की झलक दिखाई दे सकाफ़त में अल्लाह का नबी दिखाई दे वो नहीं है ज़िंदगी बीत गई इस इंतज़ार में मुद्दत से लग रही थी लबे बाम टक टकी थक थक के गिर गई गए इंतज़ार आज पता नहीं कब सुबह होगी चलो कहते तो जाए मुझे अगर चबुत हैं जमात की आस्तिनों में मुझे है हुक्म अजान वालदेन के जिम्मे है औलाद को इज्जत देना उनके सबसे बड़ी ख्वाहिश में उनका एहतराम करना कि ज़िंदगी उन्होंने गुजारनी है और आपके ज़िम्मे है वालदेन के आगे सर झुका देना अल्लाह के वास्ते कोर्ट मैरिजेस और खुफिया शादियां ये हमारा न हमारी सकाफत है ना ये इंसानियत है हमेशा दुख दर्दों में ज़िंदगी गुजरती है कि असल ज़िंदगी तो मौत के बाद आने वाली है तो वालदे पढ़ें शरीयत को औलाद भी पढ़े अपने नबी की ज़िंदगी को एक शक हज़रत उमर के पास आया एक बेटे को लेकर कामिरमिन का, का, ये मेरा बेटा बड़ा नाफरमान है और मुझे बहुत तंग करता है अज उमर के पास लाठी होती तो उन्हें यूं उठाई वो कहने का हजूर माफ़ी दिया जे एक मेरी गल सुन लो आपने फरमाया क्या कहने का माँ प्यो के बड़े हक़ हैं बिल्कुल ठीक है पर कोई साढ़ा हक ही है माँ प्यो आपने कहा हाँ तो ओ, 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 हाँ कहने के जरा वो बता दें का पहला हक है अच्छी माँ तलाश करे न एक औरत तलाश करे दूसरा हक ये है नाम अच्छा रखे तीसरा हक ये उसको कुरान की तालीम दे काजी फिर सुन लो हजरत जी ऐसा मेरे प्यो को इस हबशी औरत नाल शादी करके मैंने हबशी मां दिती इन कोई अरब माँ ही नहीं लती मेरा पहला हक हाकि मारा दूसरा सुन लो इसने मेरा नाम जो रखा है जो गंदगी के कीड़े को कहते इसने मेरा नाम जो रखा है और त्री सुन लो इस आज अच्छे मैंने कुरान की शक्ल नहीं विखाई हजरत तो मैं रोज छोटा वो सिर तक फेर देगा पहले तेरी मालिश करा फिर यही कर तो आज के वालदेन भी अपनी औलाद के बारे में बहुत 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 गाफिल हैं और औलाद का भी हाल यही है चूँकि माँ क्या है बाप क्या है औलाद क्या है ये शरीयत ये कुरान बताता है ये मेरे नबी की ज़िंदगी बताती है